तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारा चैनल और वर्ल्ड में। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है जो कि सिलचर से है। वो ये है कि सिलचर का जो आसाम यूनिवर्सिटी का जो TDC और सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ है उसके माध्यम में एक खबर आया है कि एक टीचर जो कि मंडे को लास्ट ड्यूटी दिए थे उन्होंने, तो उनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उन्होंने कचहर कॉलेज में ड्यूटी दिया था। लास्ट ड्यूटी उनका था मंडे को यानी 12 तारीख को, और उसी दिन उन्होंने उनका टेस्ट किया गया और आज रिपोर्ट आया उसका कि वो पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट्स के साथ मिले नहीं हैं, मतलब वो संस्पर्श में नहीं आए स्टूडेंट्स के, लेकिन फिर भी बात ये रहता है कि जब आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर पेपर लेते हैं तब तो मतलब कंटामिनेशन हो ही जाता है। तो वो बता रहे कि उनका जब भी सिम्टम्स आया था तो वो अलग हो गए थे टीचर्स के साथ से या फिर स्टूडेंट के साथ से, और उन्होंने किसी के साथ उन्होंने मिलावट नहीं किया और वो पूरा अभी आइसोलेशन में है। वो एक हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड है सिलचर के। और ये भी बताया गया कि एक न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा मुझे जो मिला वो ये कि उन्होंने बताया कि उनका टेस्ट जब उन्होंने करवाया तो उससे पहले वो उनको सिम्टम्स दिखाई दिया और उनके साथ ही वो अलग हो गए थे स्टूडेंट्स और टीचर्स से। लेकिन बात ये उठता है कि अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवाना ही है तो फिर क्यों टेस्ट ना करवा के ऐसे टीचर्स को भेजा जाता है ड्यूटी हॉल में, क्योंकि पता है कि ड्यूटी हॉल में काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनका लाइफ का सवाल है। तो इतना गाफिलती क्यों है एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमारा क्वेश्चन ये अराइज करता है कि जब स्टूडेंट्स लोगों ने डिमांड किया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, इतना डिमांड किया था तो तब क्यों नहीं माना गया था? तब हमें ये बोला गया था कि हम लोग सब प्रोटोकॉल्स मानेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो देखोगे कि कुछ प्रोटोकॉल्स मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब प्रोटोकॉल्स का कुछ नहीं मेंटेन हुआ। और अभी उसका फल ये है कि एक टीचर पॉजिटिव, तो टीचर के साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हॉल में थे, क्योंकि वहाँ पर साथ साथ तीन या चार टीचर और भी ड्यूटी दे रहे थे उनके साथ। तो अभी मेरा सवाल ये है सबसे कि आपको क्या लगता है कि सच में ये ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी के समय के लिए बेस्ट है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी मैंने सुना और एक न्यूज़ कि 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन है वो भी शायद ऑफलाइन मोड में ही होगा, मुझे जितना तक खबर मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द सुइटेबल टाइम और द राइट टाइम टू टेक द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज द केसेस आर इंक्रीजिंग इन अ ह्यूज नंबर एंड द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू सीट फॉर द एग्जामिनेशन विल फेस रियली सिवियर ट्रबल। सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हु आर टेकिंग ऑफ दिस ड्यूटी, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर एग्ज़ाम कैंसिल या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट के बारे में सोचिए प्लीज़। एक साल अगर बर्बाद हो भी जाता है एक लड़के का या लड़की का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अगले साल दे देगा, लेकिन अगर उसका लाइफ ख़त्म हो गया तब कुछ नहीं होगा। उसके बारे में ज़रा सोचिए और बताइए हमको। थैंक यू अभी तक के लिए, अगर कुछ न्यूज़ और आए तो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू।